तो हेलो गाइस, स्वागत है सभी का डीसी यूनिवर्स में। और आज फिर से हम लोग लौटे हैं फ्लैश का एपिसोड 9 का सीजन 8 का पॉडकास्ट लेके। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाके देखिए अमेज़न प्राइम में फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड 9, और फिर आके ये पॉडकास्ट वीडियो और रिएक्शन हमारा ज़रूर देखिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अभी बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जाते जाते ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चाहे तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीक का जो फ्लैश का जो स्टोरी था वो शुरू हुआ अगले वीक का जो पार्ट था उससे, जहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुआ था वहाँ से रिज्यूम हुआ कि एक ब्लैक फायर का बेटा ह्यूमन है जो कोल फायर यूज़ कर रहा है लोगों को बर्न डाउन करने में, मतलब कि जला के मार डालने में। तो इसको अभी ढूंढ रहे हैं, चेस्टर एक मशीन बनाया है जिससे वो शायद मेटा ह्यूमंस को ट्रैक डाउन कर सके यूजिंग द सैटेलाइट इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सिटी, जहाँ पे वो डिफरेंट सैटेलाइट यूज़ करके ये पॉइंट डाउन करेंगे लोकेशन कहाँ पे वो मेटा ह्यूमन आएगा और अपना जो कोल्ड फायर है वो यूज़ करेगा। तो जब वो करता है वो मशीन का इन्वेंशन, उसके बाद उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नोटेशन आता है जिसमें बैरी को पता चलता है कि वो एक लोकेशन पे है। लेकिन बैरी को लगता है कि वो बहुत फास्ट है और वो अगर पहुंच जाएगा उस जगह पर तो वो टाइम से पहले पहुंच सकता है और जो मेटा ह्यूमन है उसका क्राइम करने से पहले उसको रोक सकता है। लेकिन जब वो पहुंचता है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो एक विक्टिम होता है वो मर जाता है और उसके शरीर से बैरी दिखता है ब्लैक फायर निकलते हुए। जो पिछले एपिसोड का जो मेटा ह्यूमन था, जो अपने आप में एक फायर यूज़ कर रहा था, फायर मेटा ह्यूमन जिसका नाम था शायद हॉटनेस, वो जब अपना फायर यूज़ कर रहा था तो वो एक नॉर्मल फायर था, मतलब ब्राइट येलो फायर था। लेकिन इस टाइम बैरी ने जो फेस किया वो था एक ब्लैक फायर। तो ये प्रूव हो जा रहा है कि हॉटनेस वॉज राइट, वो गिल्टी नहीं था, वो इनोसेंट था। और ये भी प्रूफ होता है कि जो उसके जो जो मर्डर उसके चार्जेस उस पर थे वो भी सारे फॉल्स थे। तो इस सीजन में हम जब देखते हैं कि चेस्टर वहाँ पे जाता है बेरी के साथ और एज अ CIA एजेंट और मे बी एज अ CCPD ऑफिशल्स और साइंटिस्ट के तौर पे वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ से जो ब्लैक फायर है बॉडी से जो निकल रहा है, जो कॉर्प से निकल रहा है, उनको पिक करके वो लोग लेके आते हैं स्टार लैब में। और स्टार लैब में जब वो लेके आते हैं, सिस्टर एक ड्रीम देखता है कि जहाँ पे वो देखता है कि वो फायर वहाँ से निकल चुका है वो कॉन्टेनर से, और पूरा स्टार लैब चल रहा है और वो भी उस फायर की चंबुल में आ गया है। लेकिन तभी सिस्टर, मतलब चक को, उसका जो फ्रेंड्स है वो सब और सिसिल मिलके उसको मतलब बुला के नींद से उठा देता है और उसको बोलता है कि ये तुमने जो देखा है ये पूरा एक ड्रीम था, ये सच्ची नहीं था। तो उसके बाद जो होता है वो होता है कि सिस्टर को बहुत मतलब मायूस हो जाता है कि ये जो ब्लैक फायर है या शायद ये जो मेटा ह्यूमन है वो क्यों सिस्टर को ही सिर्फ मतलब फॉलो कर रहा है, क्योंकि सिस्टर ने तो कुछ किया नहीं है। तो वो बहुत सोचने लगता है इस बारे में। वहाँ पे और एक जो चीज़ होता है स्टोरी के बिगिन में वो है कि आइरिस जो है उसको थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है टाइम लैप्स का, मतलब वो थोड़ा सा चीज़ भूल जा रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा कुछ हो रहा लग रहा है कि जैसे टाइम मतलब टाइमलाइन चेंज हो रहा है, और वो शायद बीच का जो टाइम है जो उसने स्पेंड किया है या कुछ कहा है किसी को या कुछ उसके साथ हुआ है, वो जो टाइम है उस टाइम के बारे में वो भूल जा रहा है, उसको लग रहा है कि टाइम मतलब स्कीप हो गया है। तो वो जो है स्टील फोर्स को बुला के अपने आप में एक डायग्नोस करने बोल रहा है। पहले तो स्टील फोर्स को कुछ नहीं मिलता है उसके बॉडी में, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि देयर इज़ अ मतलब म्यूटेशन। और उसके बाद स्टील फोर्स बोल रहा है कि मैं अपने स्टील फोर्स में मतलब स्पीड फोर्स में वापस जाऊँगा और उसके बाद मैं सब कुछ ठीक से एक बार और देखूंगा, देख के कि ये म्यूटेशन किस ये कैसे ये हो सकता है, अगर मुझे जब भी कुछ पता चले तो मैं लौट के तुमको बताऊंगा। तो यहाँ पर अब मतलब जो आइरिस है वो भी अपने आप में बहुत परेशान है, तो वो अपने जो सीसीसी मीडिया का जो मतलब काम है वो सब छोड़ के उसका जो पुराना दोस्त है जो आया है अभी एक असाइनमेंट लेके वेस्ट सिटी कोस्ट का फैंटम का, उसके साथ वो वेस्ट सिटी कोस्ट में चला जाता है और कोस्ट सिटी में चला जाता है जो एक वेस्ट का सिटी है, प्रॉब्ली ये कैलिफोर्निया है। यहाँ पे वो लोगों के पास जो है टिनिया के साथ मीट होता है। टिनिया मतलब वो जो एक्चुअली में फैंटम है जो मतलब फेस कर सकता है थ्रू द वॉल्स एंड थ्रू द गेट्स एंड एवरीथिंग। तो उसको वो लोग चाहते हैं पकड़ के शायद उसको हेल्प करें, क्योंकि टिनिया को शायद पता नहीं है कि उसका मेटा एबिलिटीज है और उसको मेटा एबिलिटीज को कैसे यूज़ करना है। लेकिन इन लोगों को पता है क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत सालों से बहुत सीजन से काम करते आ रहे हैं मेटा ह्यूमन पावर एबिलिटी कंट्रोल में। तो वह सब जब स्टोरी को मतलब हो रहा था तभी उसकी टाइम में मतलब फिर से चक के सामने से वो फ्लेम निकल जाता है उस कॉन्टिनेंटल, और पूरा जो चार लैब का जो पूरा बिल्डिंग है वो पूरा ब्लैक फायर में बन जाता है। तो जब ब्लैक फायर में पूरा
बिल्डिंग जल रहा होता है तब वहाँ पे इमीडिएट एक्शन फोर्स की अलार्म के थ्रू बैरी आ जाता है। लेकिन बैरी जब कोशिश करता है उस फायर को रोकने के, लेकिन वो फायर नहीं रुकता क्योंकि वो फायर अभी रियल में है और यहाँ पे एक फायर ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे फायर तो चल रहा है लेकिन वो फायर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उन लोगों को लगता है कि ये शायद रिमोट फायर है, कहीं से वो रिमोटली कंट्रोल हो रहा है और शायद ये घोस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन तब सिस्टर को पता चलता है कि नहीं, ये सिस्टर के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो है ये चीज़ ये उसका पापा है शायद, जो एक फायर में एक्सीडेंट में फायर डाउन मतलब बर्न डाउन होकर मर गया था। और जब वो चीख रहा था चिल्ला रहा था तब भी जैसे उसके पास नहीं गया और कोई भी उसके पास मतलब उसको हेल्प करने के लिए नहीं गया था। तो उसे लगता है कि जो उसका पापा था उसको वो मतलब उसके उसको कभी मौका नहीं दिया ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए वो अपने पापा को हेट करता था। तो शायद लगता था कि उसके पापा का जो घोष है वो शायद लौट गया है उसका जो बदला लेने के लिए। तो उस टाइम में क्या होता है कि पूरा सेंट्रल सिटी में जो मतलब स्टार लैब है उसमें पूरा अटैक हो जाता है हर, और उससे जो ब्लैक फायर है वो आने लगता है और एक मेटा मतलब एपी सेंटर बनता है उन लोगों का स्पीड लैब में। तो बैरी और फ्रॉस्ट वहाँ पे जाता है वो मतलब फायर को ब्लैक फायर को रोकने के लिए, जो एक कोल्ड थर्मल काइनेटिक एनर्जी है जिसको सिर्फ मतलब फ्रॉस्ट का जो ब्लास्ट है मतलब विंटर ब्लास्ट या व्हाट विल आई कॉल इट द कोल्ड ब्लास्ट, उससे ही रोक सकता है। तो इस टाइम पे क्या होता जो होता है कि बैरी और फ्रॉस्ट वो नाकामयाब रहता है इतना सारे एपिसेंटर में इतना सारा ब्लैक फायर को मतलब रोकने के लिए। तो तभी चेस्टर को दिखता है वो जो फायर है, वो फायर वो एक फॉर्मेशन लेता है और फॉर्मेशन लेके उसका पापा का मतलब पापा जैसे बन जाता है उसके सामने आता है। तो उसको मतलब बहुत कोशिश करता है ब्रेन वॉश करने की, उसको बोलने की कि हाँ मैं तुम्हारा बेटा पापा हूँ तो तुम मेरे पास आ जाओ बेटे, मैं तुम्हारे बहुत इंतज़ार कर रहा था इतने दिनों के लिए, तुमको मिस कर रहा था। तो ये सब बोल के उसको मतलब उससे ग्रैब कर रहा था, उसको उसका जो सॉरो है एनर्जी है जो उसका जो मतलब सैडनेस है उससे वो फीड कर रहा था। मतलब वो एक ऐसा मेटा ह्यूमन है या मेरा सुपर विलन है जो लोगों का सैडनेस या सॉरो से पावर और एनर्जी सोख कर लेता है। तो ये बात सिसिल को बहुत अच्छे से पता था, जो सिसिल और मतलब एलेग्रा ने मिलकर उसको बहुत समझाया चेस्टर को कि चेस्टर की ये तुम्हारा पापा नहीं है। तो फाइनली चेस्टर समझने भी नहीं वाला था, वो मतलब आग की जंगल में आने ही वाला था, उसके साथ भी हाथ भी मिला रहा था। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ अगर एक बात तो है कि अगर उसका पापा उसको ऐसे हालात में देखे जहाँ पे वो एक साइंटिस्ट बन चुका है तो वो बहुत प्राउड होता, क्योंकि ये फायर घोस्ट था वो नहीं था। तो चेस्टर अपने आप को रोक लेता है और जो ब्रेन वॉश का जो शंबल था उससे निकल आता है। उसके बाद जो फायर घोस्ट है वो जब चेस्टर को अपने काबू में नहीं कर सकता है तो वो अपने आप में सैडनेस और सॉरो को मतलब सोक करने का जो कैपेबिलिटी था उसको खो के वो वैनिश हो जाता है। तो सब लोग ये लोग जब ये चीज़ को एनालाइज करने बैठते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि ये जो है ये कोई घोस्ट नहीं है, कोई रिमोट फायर नहीं है, जो फायर है वो खुद ही एक मेटा ह्यूमन है या शायद कोई घोस्ट है जो डिफरेंट शिफ्टिंग में बदल सकता है या शायद कोई नेचुरल कैलामिटी या जैसा कोई फोर्स फील्ड जैसा डार्क मैटर एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है, जो डिफरेंट फॉर्म लेके यहाँ पे मेटा ह्यूमन बन के अटैक कर रहे हैं। तो यही था इस एपिसोड का स्टोरी। और दूसरा साइड दिखाई दिया कि आयरिश जो है वो अभी वेस्ट कोस्ट में कुछ दिन रहने वाले हैं तानिया को हेल्प करने के लिए। तो वो जब वहाँ पे रह रहा है वहाँ पे जब स्टील फोर जो डियोन है वो आता है और उसको कहता है कि वो डायगनेटिस करके लौटा है म्यूटेशन का, और उसको पता चला है कि जो म्यूटेशन है वो अच्छा नहीं है और देयर इज अ बैड न्यूज़ फॉर हर। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अभी मुझको पता चल गया कि ये जो एपिसोड ये फिर भी कंटिन्यू होने वाला है अगली एपिसोड 10 में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये जो एपिसोड था इसका वीएफएक्स एडिटिंग एज ऑलवेज लाइक द लास्ट एपिसोड वॉज वेरी गुड एंड मैं बहुत एंजॉय किया एपिसोड को। ना मेरा रेटिंग डेफिनेटली इस एपिसोड के लिए रहेगा 9.5 out of 10। मुझे लगता है कि फ्रेश जो सीजन 8 है वो वन ऑफ द बेस्ट सीजन हो अभी हो रहा है करेंटली। और एरोवर्स का जो स्टोरी है बहुत अच्छे से जा रहा है, इसमें एक यूनिफाइड स्टोरी है, सेंट्रल बेस्ट स्टोरी लाइन है जिसपे पूरा एपिसोड अच्छे से सेटल आउट किया हुआ है। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं एपिसोड 6 में कि जो बैरी का जो लड़की है एक्सेक्स और जो लड़का है इम्पल्स, उन लोगों की वजह से टाइमलाइन भी चेंज हुआ है। और अभी अभी पता चला कि जो फ्रेश मूवी है उसमें थोड़ा ये लोग क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ वाला जो स्टोरी है उसको भी सेटल सेट आउट कर रहा है। तो ये पूरा सब कुछ जब फ्रेश सीरीज के साथ भी कनेक्टेड है तो मैं भी बहुत एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हूँ DCU का जो फ्लैश का जो मल्टीवर्स आगा है उसको देखने के लिए, कैसे वो लोग सब कुछ कनेक्ट करते हैं और कैसे ये स्टोरी और टाइमलाइन चेंज
टाइम सब कुछ इफेक्ट करता है, और कैसे इसका एक रिपल इफेक्ट दूसरे में जाकर पड़ता है, कैसे एरोवर्स का इफेक्ट डीसीयू में होता है, डीसीयू का इफेक्ट डिफरेंट यूनिवर्स में होता है या शायद एरोवर्स में होता है, अर्थ प्राइम में होता है, और कैसे ये स्टोरी पैन आउट होता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल का फैन है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कॉमेंट करिए कॉमेंट सेक्शन में, और हम लोगों को बताइए कि आप लोगों को क्या चाहिए। और गाइस, कल मैं फ्लैश मूवी का एक थ्योरी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि फ्लैश मूवी में क्या असल में होने वाला है और क्या मेरा थ्योरी है। तो अगर आप लोग नया कंटेंट के लिए बहुत एक्साइटेड है तो प्लीज़ बी विथ अस, और हम लोगों को अभी से मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कीजिए इस वीक का जो सुपरमैन और नवमी का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि सुपरमैन का जो एपिसोड है मैं देख चुका हूँ, लेकिन नवमी का एपिसोड मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं देखूंगा। और सुपरमैन अभी सुपरमैन लोइस का जो सीजन है 2 है, वो अभी 3 वीक का हाइटस में जाने वाला है। हाइटस मतलब कि वो लोग अभी 3 वीक से एयर नहीं होगा, उसके बाद वो 26 अप्रैल को लौटेगा, तो नवमी शायद कंटिन्यू करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं सिर्फ नवमी का पॉडकास्ट करूंगा, इसलिए मैं वेट करूंगा, उसके बाद में जब सुपरमैन का जो एपिसोड आएगा उसके साथ ही मैं नवमी का पूरा एक साथ मिला के एक पॉडकास्ट कर दूंगा, लास्ट 3-4 एपिसोड मिला के, और सुपरमैन का जो है जिससे चल रहा था उसको एक वन बाई वन करते रहूँगा। तो ऐसे करके करके मैं नवमी फिनिश कर दूंगा, और क्योंकि मुझे नवमी में उतना सारा इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टोरी जो है वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है बाकी एरोवर्स के शो है, जैसे फ्लैश या शायद सुपरमैन लोइस, बहुत दोनों ही बहुत अच्छा स्टोरी है, लेकिन वो जो नवमी का जो सीरीज है वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। तो हाँ गाइस, तो यही था आज का पॉडकास्ट फ्लैश के बारे में। अगर आपको कुछ कहना है, अगर आज का कुछ सजेशन है तो ज़रूर जाना बताइए हम लोगों को कमेंट के जरिए। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझको, जो जैक स्नाइडर का जो ऑस्कर मिला जो फ्लैश वीडियो मैंने बनाया था उसका व्यूज़ भी अच्छा है, उसके बाद सब्सक्राइबर भी बढ़ा है। तो गाइस, हम लोग बहुत करीब है 100 सब्सक्राइबर की, तो आप लोग अगर हम लोगों का चैनल का फ़ैन है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी ये चैनल का जो लिंक है वो शेयर करिए, ताकि हम लोग ये क्रॉस कर सके। अभी सिर्फ 8 ही बाकी है 100 सब्सक्राइबर के क्रॉस करने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो गाइस, आप लोगों के लिए चैनल बना है, और डीसी का जो 10 ईयर एनिवर्सरी आने वाला है, डीसीयू का जो मैन ऑफ स्टील से शुरू हुआ था वो जून 2023 में आ जाएगा, तब हम लोग तो तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग गाइस, और रिमेम्बर वन थिंग, #DC forever।